हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड में होने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 के होम साइंस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए ग्रह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा है? सही उत्तर है सोडियम। किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? सही उत्तर है नवजात शिशु, क्योंकि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है, तो आहार के भोजन के आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान तक उबालना चाहिए? सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालना चाहिए। माँ का दूध प्रदान करता है, तो माँ का दूध सभी चीज प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक चीजें भी होती हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, पाचक एंजाइम भी होता है। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है जो बच्चे को सभी तरह के पोषक तत्व प्रदान कराता है। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है? सही उत्तर है खमीरीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो सही उत्तर है इसका मुद्रा, यह मानवीय संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है? सही उत्तर है इनमें से सभी स्टार्च, ग्लूकोज और सेल्यूलोज। इनमें से कौन एक किण्वित खमीरीकृत दुग्ध उत्पाद है? सही उत्तर है इनमें से सभी दही हो, मक्खन हो या पनीर हो। कौन सा निवेश सुरक्षित है? बैंक में बचत, जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्र। तो सभी सभी में निवेश अगर किया जाए तो सुरक्षित है। इनमें से किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? सही उत्तर है श्वेत सूती वस्त्र। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो सही उत्तर है प्रोटीन से होता है। इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है? सही उत्तर इनमें से सभी। इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? सही उत्तर है इनमें से सभी, ये सभी महिला के प्रजनन का अंग है। किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? सही उत्तर है खाना बनाना। खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती है प्रस्तुतिकरण पर। इनमें से कौन सी बीमारी भारत से पूरी तरह खत्म हो चुकी है? सही उत्तर है चेचक। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही उत्तर है यकृत, यानी लिवर प्रभावित होता है जॉन्डिस से। इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? सही उत्तर है सोयाबीन। सबसे समृद्ध स्रोत है वैसे तो प्रोटीन सब में, पर सबसे अधिक सोयाबीन में है। प्रसवोपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना और बचाना है? तो सही उत्तर है माँ को और बच्चे को, नवजात को, दोनों को बचाना और उनकी देखभाल करना प्राथमिक होती है। इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? ऋण चुकाना। ऋण चुकाना बैंक का काम नहीं है। इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? सही उत्तर है सभी, परिवार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें से कौन भोजन खराब होने का कारक है? सही उत्तर है सूक्ष्म जीवी। सूक्ष्म जीवी जैसे कीड़े और चूहे से भी भोजन खराब होते हैं, पर सबसे प्रमुख कारक होगा अगर पूछा जाए तो सूक्ष्म जीवी। इनमें से कौन ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण है? सही उत्तर उपयुक्त सभी, ये सभी खुले में शौच करना, प्लास्टिक, गाड़ी से निकलने वाला धुआं। तो सभी आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है। व्यंजन पुस्तिका, रेसिपी ना भी हो तो भी खाना पक जाएगा। आहारीय मिलावट के क्या कारण हैं? सभी के सभी उपयुक्त सभी कारण हैं। गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है? सभी, तिरछी रेखा, लंबवत रेखा या फिर क्षैतिज रेखा। इनमें से कौन सभी वस्त्रों की रानी है? रेशम, रेशम सभी वस्त्रों की रानी है। इनमें से कौन द्वितीयक रंग है? सही उत्तर है हरा, यह द्वितीयक रंग है। स्वच्छता संबंधी कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है?
नाखून काटना ये हफ्ते या 15 दिन में भी किया जा सकता है, बाकी सारे काम प्रतिदिन करना आवश्यक है। तो आज हम लोग फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ये हमारा मॉडल पेपर के सारे प्रश्न कवर अप हो गए। हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आपका परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।